ਆਂਦਾ ਮੂਨ ਸੁਣ ਲੈ ਚੱਟੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਯਾਰਾ ਨਾ ਪਾਵੀਂ ਕਦੇ ਦੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਏ ਗਾਈਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਕੈਸੇ ਹੋ ਆਪ ਸਭ आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूंगी और ये होगा बहुत सिंपल एंड इजी वाला मेकअप लुक। बाय द वे ये रिक्वेस्टेड मेकअप लुक है, हाईली रिक्वेस्टेड मेकअप लुक है। एक दो दिन पहले मैंने ना दो वीडियोस अपलोड की थी, एक थी वेट एंड वाइल्ड के फाउंडेशन के ऊपर रिव्यू एंड डेमो था, ठीक है, और एक और वीडियो थी जो मैं प्लम के काजल को यूज करके तीन सेलिब्रिटीज के ना आई मेकअप लुक को शेयर कर रही हूँ। दोनों वीडियोज में मैंने ये वाले लुक को कैरी किया हुआ था। सॉरी, आप लोगों को इतना पसंद आया, जस्ट बेसिक सिंपल सा आई मेकअप लुक था। मैंने उस दिन शूट नहीं की थी वीडियो, मुझे लगा बहुत सिंपल इजी वाला मेकअप लुक है, कुछ खास था नहीं इसमें, बट आप लोगों को इतना पसंद आया और मुझे इतने कमेंट्स आए, लिपस्टिक कौन सी लगाई है, आपने प्राइमर कौन सा लगाया है, आपने बेस मेकअप कौन सा किया, क्रीम कौन सी लगाई है, मेकअप सेटिंग स्प्रे कौन सा किया, इतने सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली, और सबने लिखा हुआ था, मतलब काफी लोगों ने लिखा हुआ था आप इस मेकअप लुक के ऊपर ट्यूटोरियल शेयर करो। बस आप लोगों ने डिमांड किया तो यार शेयर तो करना ही था ना, तो दोबारा मैं इस लुक को यू नो क्रिएट कर रही हूँ, जस्ट सिंपल सा इजी वाला मेकअप लुक है। दोबारा आपको पता लग जाएगा बैकग्राउंड देख के, क्योंकि उसमें सिर्फ पर्पल कर्टन्स थे, यहाँ पे पर्पल एंड रेड कर्टन्स है। ओके, सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जरूर चेकआउट कर लेना, और इनकेस अगर कोई कूपन कोड होगा तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी देख लेना। टी शर्ट मैंने सेम वही वाली डाल ली, बाय द वे ये जो टी शर्ट है ये है जनपद से मैंने ली थी, दिल्ली से जनपद से, अभी मैं यूट्यूब फैन फेस्ट में गई थी, थैंक यू उसके लिए। थैंक यू, आप लोगों को इतना प्यार करते हो इस वजह से चले भी गए, नहीं तो कहाँ यार। ओके, एंड अगर आपने जनपद हॉल मेरा नहीं देखा है तो मेरे ब्रदर के चैनल के ऊपर, मिस्टर बगा मेरे भाई के चैनल का नाम है, तो वहां पे अपलोडेड है वीडियो, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे भाई के चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना, उसके 5000 होने वाले हैं, प्लीज यार प्लीज कर देना। बहुत लंबा चौड़ा इंट्रो हो गया, सॉरी इसके लिए, तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप शुरू करने से पहले मैं करूंगी अपनी स्किन केयर रूटीन, तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी टोनर, ये है गुड वाइब्स का पॉमीग्रेनेट टोनर, बहुत सही वाला टोनर है, मुझे मैं इधर रेगुलर इसी प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ, काफी अच्छा है। टोनिंग करने से आपके जितने भी पोर्स होते हैं ना वो आपके श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं, तो जरूर किया करो टोनिंग। अब मैं अप्लाई करूंगी ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक की विटामिन सी डे क्रीम, बहुत सही वाली क्रीम है, लाइट इन टेक्सचर है बट अच्छी वाली क्रीम है, अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया करो अपनी स्किन को फाउंडेशन लगाने से पहले। अब अप्लाई करूंगी मैं पर्पल का प्राइमर, अभी इसका मैंने रिव्यू भी डाला था, तो बहुत अच्छा वाला प्राइमर है, लंबे समय तक आपके मेकअप को टिका के रखेगा। अच्छी तरह से लगा लूंगी और उसके बाद एट द एंड ना थोड़ा सा प्रेस कर लूंगी इसको अपनी स्किन के अंदर, ताकि वो एक ब्लर आउट हो जाए मेरे पोर्स और मेरा फाउंडेशन अच्छी तरह से उसके ऊपर लग सके। वादी हर्बल्स की लिप बाम है, अब इसको अप्लाई करूंगी ताकि एट द एंड जब भी मैं कोई भी लिपस्टिक लगाऊं तो मेरे लिप सॉफ्ट एंड प्लम्प लगे। ये है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन और मेरा शेड है क्लासिक बेज, दो बार लूंगी मैं स्पैचुला से इसको, दो से ढाई बार मैंने एक्चुअली ले लिया था, बाद में थोड़ा सा और लिया था मैंने। डॉट 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 करूंगी अच्छे से अपने पूरे फेस पे, डॉट 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 करके ही आप लगाया करो, एक साथ लगाने से ना अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होता प्रोडक्ट। तो अब मैं यूज करूंगी पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर, इसको मैंने गीला कर लिया, उसके बाद उसको स्क्वीज आउट कर लिया एक्सेस वाटर को, अमेज़न पे आपको ये बहुत आराम से मिल जाएगा और इतना ज्यादा प्राइसी भी नहीं है और ये बहुत अच्छा वाला ब्यूटी ब्लेंडर है। अच्छी तरह से डैब 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 करके मैं पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी अपने फेस के ऊपर, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली ये वाला फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है। अब मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर, ये भी वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा लगाऊंगी आईज के नीचे, मुझे ज्यादा नहीं लगाना क्योंकि ये गर्मियों वाला थोड़ा सा लुक है ना, तो बहुत मिनिमम प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूं, हल्का सा इसको मैं ब्लेंड करूंगी आईज के नीचे और आईज के ऊपर भी मैं ब्लेंडिंग करूंगी कंसीलर के साथ। पाउडर सेटिंग करूंगी और ये है मेबलिन का वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, मेरा शेड है पर्ल, अच्छी तरह से पाउडर सेटिंग कर लूंगी मैं अपने फेस की लाइट हैंड से, एंड फिर उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल करने वाली हूँ, तो आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज करूँ एक स्पूली, उसके साथ में पहले अपने आईब्रोज को कॉम कर लूंगी थोड़ा सा, एंड ये है वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट है ये, सॉरी यार थोड़ी सी गंदी हुई पड़ी है लेकिन मेरे पास दो साल से ये वाली किट पड़ी है और बहुत अच्छी वाली किट है। एंगुलर ब्रश यूज कर रही हूँ, ये जो ब्रशेस का सेट है ना मोमेड कलर का, ये रोजगर्ल के ब्रशेस, रोजगर्ल से मैंने मंगवाए थे, 20 ब्रशेस का सेट था।
अच्छी तरह से डार्क कलर यूज करूंगी, डार्क ब्राउन सा कलर दिया हुआ है। अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी और उसके बाद फिर एक बार मैंने फिर से एक बार ना स्पूली यूज की थी एट द एंड, ताकि आपका पाउडर अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए आईब्रोज का। अब मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो पैलेट, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट आई शेडो पैलेट है, रोज इन द एयर इसका नाम है। एंड मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है, उसके साथ मैं ऑरेंजी ब्राउन कलर ले रही हूँ, सिर्फ यार एक क्रीज का कलर लिया है, कोई और शेड नहीं मैंने लेना। अच्छी तरह से जस्ट ब्लेंडिंग कर ली क्रीज के ऊपर भी और लिड के ऊपर भी। अब मैं यूज कर रही हूँ प्लम का काजल, अपनी अपर वाटर लाइन पे अच्छी तरह से काजल को लगा लूंगी, मैं डार्क करके लगाऊंगी अपर वाटर लाइन पे, और लोअर वाटर लाइन पे मैंने जस्ट उसको टच करना, मैंने इतना काजल ड्रॉ ही नहीं करना लोअर वाटर लाइन पे, हल्की हल्की जस्ट टच करना मैंने उसको, शेड सा आ जाए हल्का सा, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं। और उसके बाद मैं अपने लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। मस्कारा लगाने से पहले लैशेस को जरूर कर्ल किया करो। ये है मिलानी का बिगर लैशेस मस्कारा, बहुत सही वाला मस्कारा है, लेकिन आज मुझे लग रहा था ना थोड़ा सा क्लम्सी क्लम्सी सा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें मैं लेंस वाटर आता है ना उसके मैं 2 या 3 ड्रॉप्स डाल दूंगी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अपर लैशेस पे और लोअर लैशेस पे मैंने ये वाला मस्कारा अप्लाई कर लिया अच्छी तरह से। इस मस्कारा का भी ऑलरेडी इन डिटेल में मैंने रिव्यू शेयर किया हुआ है। अब मैं अप्लाई करूंगी, अब मैं थोड़े से अपने फेस की ना कॉन्टोरिंग वगैरह करूंगी। ये है फेसेस की फेस पैलेट, फेसेस कनाडा की फेस पैलेट है ये। अपनी मैंने चीक्स को कॉन्टोर कर दिया और फिर नोज को कर रही हूँ। मैं क्रीम कॉन्टोरिंग नहीं यूज कर रही क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा क्रीम प्रोडक्ट्स को कम ही यूज करना चाहिए। सारे मैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे पाउडर फॉर्म में ही यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो। फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ तो मैं साथ साथ में फोरहेड कर लिया, मैंने चिन की कॉन्टोरिंग कर ली, साथ साथ में ना ब्लेंड करते जाया करो अच्छी तरह से ताकि नेचुरल सी लुक लगे। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, इसी पैलेट में से मैंने पिंक कलर का ब्लश लिया है, लाइट पिंक सा नेचुरल सा ब्लश था ये, हल्का हल्का लगा रही हूँ मैं। और अब मैं यूज करूंगी ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है ये, आई गेस ब्लॉसम ग्लो इसका नाम है, आई डोंट नो, आप लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ मैं अपने फेस की हाइलाइटिंग करूंगी, आप देख सकते हो चीक बोन्स की हाइलाइटिंग कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं नोज की टिप पे लगा रही हूँ, नोज पे लगा रही हूँ, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो पे लगाया, चिन पे भी लगाया मैंने हाइलाइटर, सेंटर ऑफ द फोरहेड लगा के थोड़ा सा ना ब्लेंड करते जाओ साथ साथ में। छोटा सा ब्लश ब्रश ले रही हूँ, उसके साथ मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटिंग करूंगी आईज के, और अपने ब्राउ बोन के नीचे करूंगी, और फिंगर्स के साथ हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी ताकि नेचुरल सी लुक आए। जब भी हाइलाइटिंग करते हो ना साथ साथ में ब्लेंडिंग कर लिया करो। अब ये है मिलानी का मेक इट लास्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे है ये, इसके साथ मैं सारा कुछ लॉक कर लूंगी। बहुत सही वाला स्प्रे है ये, बहुत सही वाला, इसको मैं अपने यूट्यूब फैन फेस्ट में भी अपने साथ लेके गई थी, तो मेकअप सारा सारा दिन ये टिका के रखता था। लिप्स को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, जितनी भी एक्सेस लिप बाम लगी है ना उसको रिमूव करूंगी मैं, ज्यादा बुरी तरह से रिमूव नहीं करनी बट हल्के हल्के आप इसको रिमूव करो। एंड फिर मैं अप्लाई करूंगी पर्पल की, ये है लिप एंड द चिक कलर, शेड नंबर 1 है ये। ये ना मूस टेक्सचर में आती है, तो जब आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे ना आपको बड़ी पैची पैची सी नजर आएगी, अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती डायरेक्ट अप्लाई करने से। मैं क्या करती हूँ इसको थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद ना फिंगर्स के साथ इसको डैब 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 कर दूंगी, अभी आप देखना। तो पहले आपको जितना कलर चाहिए आप उतना अप्लाई कर लो, उसका फिंगर्स के साथ इसको ना, फिर आप एट द एंड देखना ये लिपस्टिक कितनी ब्यूटीफुली अपना शेड दिखाती है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। सो दिस इज द फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आई वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली आप सबके साथ शेयर कर देना। मेरे भाई का भी एक यूट्यूब का चैनल, आप उसको भी प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप मुझे रिक्वेस्ट की आपने ये वाली लुक को अपलोड करने के लिए, मैंने अपलोड किया ना दोबारा रीशूट करके, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते यार, प्लीज यार प्लीज मेरे भाई के भी चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर दो। मिस्टर बग्गा मेरे भाई के चैनल का नाम है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसका एक और चैनल है मिस्टर बग्गा टेक, आप प्लीज उसको भी जाके जरूर सब्सक्राइब कर दो। बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको मिल जाएंगे। बाय।